यो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड इवनिंग, एक्चुअली गुड इवनिंग नहीं भाई, गुड आफ्टरनून। ठीक, अभी 12 बज के हो गया, 5 या 10 मिनट हुए और मैं उठ के तो बहुत टाइम हो गया, मेरे दोनों मील्स भी हो गई। तुम पूछ रहे हो कि भाई आज क्या होने वाला जिम में, तो आज होने वाला है एब्स। इस हफ्ते मेरा एब्स मिस हो गया है, तो मैं अभी जाके एब्स मारूंगा और थोड़ा कार्डियो भी करूंगा और उसके बाद सोना लूंगा, फुल चिलैक्स करूंगा क्योंकि आज है संडे, तो रेस्ट डे होना चाहिए ना। रेस्ट डे जब होगा तभी तो हो गए बिल्ड मसल्स, तो करने वाले आज मस्ती करने वाले। उसके बाद जाना है भाई रेकी करने जाना है मुझे एक बीच पर जो काफ़ी दूर है, तो भाई वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं, मज़ा आएगा। चलो चालू कर दे। ओ हो ओके, सो वी आर बैक एट आवर फेवरेट प्लेस दैट इज़ द जिम। जिम में आ गए हम और अभी होने वाला शुरू वर्कआउट। आज क्या मारने वाले, आज एब्स मारने वाले, कार्डियो करने वाले और सोना लेने वाले। तो सबसे पहले एब्स से स्टार्ट करेंगे, 4-5 वेरिएशन मारेंगे उसके, देखते हैं कैसे आता है भाई, ये मज़ा आने वाला है क्योंकि आई एम इन फुल मूड टू बर्न सम कैलोरीज। सो लेट्स गो। सो गाइस वी आर स्टार्टिंग ऑफ नाउ और मैंने स्टार्ट किया इस बार फ्लैट बेंच पे क्रंचेस मार के। 2 सेट हो गए मेरे और 2 मारूंगा, पहले 3 मारता था, अभी और एक बढ़ा है 20 का सेट और अभी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है तो सही जा रहा है। सेकंड वेरिएशन गाइज ये है मशीन पर मारने वाले क्रंचेस। चालू कर दे भाई। साला इधर एसी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, एसी के नीचे तुम कूल डाउन हो जाते हो, मतलब वर्कआउट के बीच में कूल डाउन हो जाते हो भाई। ओहो भाई आज गाने चल रहे हिंदी, अचानक से पता नहीं इस जिम में हिंदी गाने कब से चलने लगे, लेकिन से ये वाइब हो रहा है भाई संडे को। तो एनीवेज अभी मैं आ गया हूँ किधर, टॉर्सो रोटेशन पे। ये है ऑब्लिक्स को टारगेट करने वाली चीज़ मशीन और 1 सेट हो गया मेरा, 3 बाकी है, मारते हैं। तो गाइज ये है लेग रेजेस, लेकिन मेरे से होता है नी रेजेस, मेरा सिर्फ नी ऊपर आता है, पूरा लेग नहीं आता क्योंकि भाई थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी इधर, लेकिन अपन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको बढ़ाएगा स्ट्रेंथ। अभी मेरा लास्ट बाकी है सेट, तो फटाफट मारते हैं और पूरा बर्न कर देते हैं। ओके तो भाई अभी कर रहे हैं ऑब्लिक क्रंचेस। हो गया भाई वर्कआउट, हो गया अभी कार्डियो पे आ गए फाइनल है ये, और आधा घंटा चले गए इंक्लाइन पर, चले गए बर्न करिए थोड़े कैलोरीज। अभी आ रहे भाई, आज आने वाले। एंड गाइज वी आर बैक। मैं खा रहा हूँ मेरा मील, मैंने आज बनाया नहीं क्योंकि टाइम नहीं था। ये है चिकन रैप। भाई सोना के बाद तो हालत ही टाइट हो गई, बहुत ज़्यादा सही हो गया, मतलब इतना सही लग रहा है, इतना रिलैक्स लग रहा है ना। अभी मैं खा लेता हूँ, फिर मिलता तुम्हें। रेडी हो गए दोस्तों हम, और देखो गाइज ये है अपना आज का आउटफिट। हिप हॉप बॉय लग रहा है ये टोपी भी पहन के, लेकिन ये देखो ये है असली अपना जो हेयर स्टाइल है। अभी बहुत बाल बढ़ गया भाई, काट देते इसको, फिर से 0 कर देते हैं। और मेरे सामने वाला व्यू देखो भाई, मस्त फटाफट। तो गाइस ये देखो मस्त खूबसूरत नज़ारा है, मेट्रो चल रही है और वेदर भी बहुत सही है। तो भाई जाते फटाक से, और मैंने बताया नहीं तुम्हें कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ विरार। विरार में है बीच और उस बीच पे मुझे रेकी करने जाना है। तो भाई रेकी क्या होता है? रेकी मतलब लोकेशन स्काउटिंग। एक जगह पे तुम जाके देखते हो कि कैसा नज़ारा है, क्या है, कैसी लाइटिंग आती है उधर। तो मुझे शूट करना है, इसलिए मैं जाके देखने वाला हूँ। अभी जल्दी से जाते हैं क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, भागते अभी। सीधा मिलता हूँ तुम्हें विरार में। ओके तो गाइस अभी हम आ गए नायगांव। पहली बार आ रहा हूँ भाई, लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ नायगांव और काफी ज्यादा चिल है भाई। एक देखो ना भाई, नो बिल्डिंग्स, एकदम सुकून लग रहा है भाई इधर आके। और इधर से हम जा रहे हैं सुरुचि बीच, जिधर हम रेकी करने जा रहे हैं। होपफुली भाई अच्छे से हो जाए, क्योंकि अभी 6:40 हो गया एक्चुअली, और सनसेट होने के पहले अगर पहुंच गए तो बढ़िया है। और सनसेट एक्चुअली हो ही गया होगा, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो ऑप्शन तो है नहीं कुछ, फटाफट स्काउट करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ शूट कर सकते हैं और एंजॉय करेंगे। ये देखो इधर सनसेट दिख रहा है एक्चुअली, तो ऑलमोस्ट हो ही गया है सनसेट। मस्त एक छोटा सा हमारा आज वेकेशन हो गया है, आधे घंटे 2 घंटे का वेकेशन हो गया। तो भाई ये ऑफिशियल एंट्रेंस है इधर बीच का, और सनसेट हो गया है, सनसेट हो गया। अभी लाइट जाने का डर है मेरे को, तो फटाफट जाके देखते हैं भाई कैसे रहेगा। ये देखो भाई क्या क्रेजी इधर ब्रिज है। तो भाई बीच इधर है, उधर पानी जो दिख रहा है, और मैं इधर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को स्काउटिंग करनी है भाई। मैं काम से आया हूँ तो मैं काम ख़त्म करके ही जा सकता हूँ। इधर जितना लाइट है उतने में देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो ये देखो गाइस, ये है इधर के वुड्स। सनराइज सुबह इधर से होगा और सनसेट इधर होगा। तो लाइटिंग के हिसाब से मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ शूट कर सकते हैं। ये आई थिंक ओक के प्लांट्स है, ओक के ट्रीज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके पत्ते देखो ऐसे, बट क्या ही क्रेजी, स्पूकी भी लग रहा है लेकिन काफ़ी सही भी लग रहा है। और तुमने तो देख ही लिया होगा भाई कि हम कैसे आए इधर। इतना सुकून था ना भाई, जो रिक्शा राइड थी हमारी 25 मिनट स्टेशन से इधर आने में लगा, और आते वक्त इतना सही लगा, इतना डिस्कनेक्टेड लगा कि भाई हम मुंबई में है ही नहीं। वैसे मुंबई में है नहीं, ये थोड़ा दूर ही आता है, लेकिन 1 घंटे में इतना डिफरेंस भाई कि इतने मुंबई की भसड़ के बाद हम सीधा इधर आ गए। ऐसा लग रहा था गोवा में आ गए इन 1 आवर। तो वो जो फीलिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा प्राइसलेस थी, बहुत सही थी। और ये देखो इधर फुल खुला मैदान है भाई, क्रिकेट विकेट खेलते हैं लोग इधर। और इधर फिर से वुड्स है, तो हो सकता है शूट अपना इधर हो सकता है। अभी जिस दिन आएंगे उस दिन जल्दी आके सब सेटअप करेंगे और फिर निपटा दे देगा। और तुमको भी दिखा दूंगा कि क्या शूट किया है। उस दिन मैं जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो गया था उसी के रिगार्डिंग है, ये किसी सिंगर के साथ है और कवर वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तो बेसिकली डायरेक्टर भी मैं ही हूँ और ये मेरा फर्स्ट है एक्चुअली, तो वो भी एक काफ़ी सही चीज़ है कि मैं कर रहा हूँ पहली बार। देखते हैं भाई कैसे जाएगा, अच्छा ही जाएगा। और ये तो काफ़ी कूल लग रहा है, वैसे लग रहा है स्ट्रेंजर थिंग्स में आ गया हूँ मैं। मस्त वाइब ले रहा है भाई, गाने गाने सुन रहा है फुल बंदा है। मैंने एयरपोर्ट इसके लिए निकाला है कि तुमसे बात कर सकूँ। गाने बंद करने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई इतनी सही लोकेशन, ऐसे वाइब लेने का मौका मिलता ही नहीं है। वाह वाह, ओ क्या सुंदर व्यू है भाई। भाई चलते चलते पता नहीं कहाँ आ गए और हम जंगल में खो गए लिटरली। मेरे आसपास देखो ये भाई, ये देखो भाई सिर्फ जंगल है और इतना क्रेजी ना, ऐसा लग रहा है भाई किसी हॉलीवुड मूवी में आ गया, हॉलीवुड हॉरर मूवी में। अभी पीछे उस तरफ जाना है ना अपने को। अगर रात में अगर आए ना, अभी रात हो ही गई ऑलमोस्ट। और सामने लाइट देखो, ये क्या, ये तिरंगा हो गया भाई, 3 कलर्स दिख रहे हैं मस्त सुंदर। अभी सीधा सीधा जाना है अपने को। आई थिंक 500-600 मीटर चल के आ गए, हम खो गए थे भाई, लेकिन काफ़ी सही था भाई। ये जंगल भी मतलब काफ़ी सूदिंग था, बट रात होने के पहले इधर से निकल जाओ, नहीं तो सूदिंग होने के लायक नहीं बचोगे तुम। अभी फटाक से निकलते और जाते भाई, अपन रिटर्न जाते। क्या करें, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर से आऊँगा मैं इधर और एक्सप्लोर करेंगे भाई। ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा सही लगी मेरे को, तो क्या ही सनसेट है इधर गाइस। ये देखो बाहर तो आ गए, लेकिन बंदे को देखो हंस रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा हुआ भाई, अभी सारी रिक्शा चले गई। रिक्शा से आ तो गए लेकिन जाने के लिए रिक्शा ही नहीं है, तो अभी हम चल के जा रहे हैं जिधर आगे जो चौक है देखते हैं, अभी उधर मिला तो कुछ नसीब में हो। उधर जो लाइट दिख रही है ना, उधर जाना है, जो उधर लाइट्स है तो उधर तक चलना है अभी। सही है भाई, कल लेग डे मारा, आज कार्डियो किया, उसके बाद ये सब हालत है। एडवेंचर लाइफ इज़ गुड। तो भाई फाइनली एकदम मस्त लाइटिंग वाली रिक्शा मिल गई अपने को और निकल पड़े हैं अपन रिटर्न मैड हाउस की तरफ। अभी जाएंगे फिर से स्टेशन और फिर स्टेशन से जाएंगे ट्रेन से अंधेरी। काफ़ी सही था भाई ये, और मेरे को लोकेशन भी मिल गए है। अभी बस शूट करने आएंगे, तब दिखा था तुम्हें कैसे जाता है शूट। और ये है इधर रात का माहौल भाई, मस्त सब लोग चल रहे हैं, इतना कम्युनिटी वाला इधर माहौल है, वाइब्स है काफ़ी, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा इधर आएगा। ऐसा लग रहा है भाई इधर रहने आ जाओ एक आध महीना, क्या बोलते हैं, आते हैं ना भाई इधर 15-20 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए आते हैं भाई। सही में मस्त जगह एकदम चिलीज। यो गाइस, तो हम आ गए वापस और इतना ज़्यादा सही था ना भाई ये हमारा छोटा सा जो वेकेशन था, ये हॉलीडे था 1 घंटे का, 2 घंटे का हॉलीडे था। आने जाने में लगा 1.5-2 घंटा ऑलमोस्ट, और काफ़ी सही था। एक साइड की बात कर रहा हूँ, 1.5-2 घंटा वन साइड लगा, बट उधर जाके जो सुकून था ना भाई, मतलब जैसे हम उस रिक्शा में बैठे और जा रहे थे बीच की तरफ भाई, इतना ज़्यादा ऐसा मेडिटेटिव स्टेट में चला गया था मैं कि भाई इतना सुंदर है ये, बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड मिला और इतनी शांति हुई ना, मतलब ये भगवान ने हमारे डेस्टिनी में लिखा था कि भाई एक दिन ये बंदे इधर जाएंगे एकदम फ्रस्ट्रेटेड इसमें और शांत होके आ जाएंगे, तो हम शांत होके आ गए हैं। अभी मैं करने वाला हूँ मेरा डिनर, और आज मैं कर रहा हूँ चिकन सैंडविच, चिकन सलामी सैंडविच बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास मैरिनेट बना हुआ नहीं है जो मैं सुबह करता हूँ, तो मैं चिकन सलामी सैंडविच बनाऊँगा और 2-3 अंडे भी बॉईल कर दूँगा, सिर्फ वाइट खाऊँगा क्योंकि सुबह 4 खा लिए थे, तो वाइट खाऊँगा सिर्फ, और थोड़ा बीटरूट और क्यूकम्बर है फाइबर्स के लिए, तो बनाते हैं। और बॉय, अरे बॉय बॉडी बन रही है भाई की, भाई इतना खुश है, बॉडी बन रही है भाई, सब इधर खुशी का माहौल है गाइस, बॉडी बन रही है हमारी, बट कुछ आगे बढ़ नहीं रहा, लेकिन खुशी का माहौल बनाना ज़रूरी है। सर खाना खा के ना जो अभी नींद आ रही है ना, मस्त ऐसे आँख मेरे बंद हो गई है गाइस, है ना, लेकिन मस्ती चालू है, इधर मस्ती चालू है, इधर मस्ती चालू है, दिल में मस्ती चालू है, खून में मस्ती है, तो भाई मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। अरे वाह वाह, बंदा लाश होके बोल दिया, लेकिन मस्ती रुकनी नहीं चाहिए गाइस। आई विल सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।